अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? क्या कर रहे हो इधर? क्लिनिक आ रहा हूँ। इस चीज़ का? डेंटल क्लिनिक जी। भैया इधर बंद करो, थोड़ी मेहरबानी, मुझसे बात करो, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बड़े प्यार से बात करो जी सर। सर इधर बंद कराओ, बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ। बैठ के अपन गल कर लेते हैं, बैठ के भी बात कर लेते हैं, पहले खड़े होके कर लें, बैठ के भी कर लें। अच्छा मुझे ये बताओ, BDS कहाँ से किया हुआ है? क्या किया हुआ है आपने? सर एक मिनट। नहीं, क्या किया हुआ है? मैं डेंटल टेक्नीशियन किया हुआ है। लोगों का ऑपरेशन भी करते हो? नहीं सर। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। नहीं सर, मैं ऑपरेशन नहीं रिकॉर्डिंग है हमारे पास। भाई हमारा नुमाइंदा सुबह आया था। अच्छा, वापडा में क्या कर? हाँ मैं उधर क्लर्क हूँ। मैं किस चीज़ के क्लर्क हूँ? ऐसी का क्लर्क हूँ मैं। क्यों? ऐसी का क्लर्क हूँ। सुबह वापडा में मुलाजिम, यहाँ पे लोगों की जानों से भी खेल रहे हो? नहीं भाई, ऐसी को जानों से खेल रहे हो? लोगों की शर्म नहीं आती आपको? नो भाई, डिग्री दिखाओ मुझे अपनी। वो घर में है। वो घर में क्या कर रही है बताओ ना, घर में क्या कर रही है? वो जो औजार रखा हुआ है वो जरा दिखाओ मुझे। चलो सर एक मिनट दिखाओ मुझे। नहीं, अपना टेम्परेचर चेक कराओ। जरा कुल ऐप जरा बंद कराओ, थोड़ी मेहरबानी सर। अच्छा अंदर चलो, अंदर चलो सर, थोड़ी मेहरबानी। अंदर चलो, मुझे वो दिखाओ जरा ना, औजार दिखाओ। चलो अंदर आओ भैया, छोड़ो ना, मुझसे देखो, प्यार से बात करोगे ना? प्यार से बात करोगे ना? अच्छा मैं करता हूँ इसको, इसको इसको रखो। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ भाई। थोड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। भाई देखो जेब में नहीं, एक मिनट मेरे सवालों का जवाब रखो। मेरे सवाल पुलिस को कहूँ कि इसको पकड़ के ले जाए? कहूँ मैं उसको? सर थोड़ी मेहरबानी, पुलिस को मैं कहूँ कि इसको नहीं, मैं इधर आऊंगा। फिर मेरे सवालों के जवाब दो जी भाई, मेरे सवालों के जवाब। देखो देखो मेरा माशाल्लाह बनाओ। नहीं तमाशा, आप हमारी जानों से घेर रहे हो, हमारे बच्चों की जानों से घेर रहे हो। पता नहीं कितने भाई हमारे जानों, और भी सर बैठे हैं, और भी तो है ना, सारे बैठे हैं, सारे लोगों की जानों से खेलोगे? आप ही खेलोगे यार, मोबाइल को छोड़ो। एक मिनट ठहरो भाई, मैं पुलिस वाले को बुला जरा। एक मिनट भाई, फोन तो गल इसको, इसका मोबाइल जरा पकड़े। एक मिनट यार भाई, एक मिनट ठहरो, मोबाइल पकड़े। एक मिनट भाई, एक फोन तो कर लेना, मोबाइल कर रहा है इसको, फोन कर लेना, आपको मौका देंगे, पहले मुझसे बात करो यार। भाई कितने टेम्परेचर में रखा हुआ है ये औजार, जो दांतों को लगता है, जिसे हेपेटाइटिस सी बी डी सब कुछ होता है यार, कुछ तो ख्याल कर लो कुछ यार, हमारी जिंदगियों को बख्श दो यार, हमें छोड़ दो। थोड़ी मेहरबानी भैया। क्या मेहरबानी करूँ, मुझे बताओ, क्या आप हमारे साथ मेहरबानी करते हो? करते हो हमारे साथ मेहरबानी? क्या मेहरबानी करते हो, हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो? आपने कुछ नहीं किया हुआ, आप वापडा में मुलाजिम भी हो, आप वहाँ पे क्लर्क हो, यहाँ पे डॉक्टर बने हुए हो, आप मेहरबानी नहीं कर रहे, मैं क्या मेहरबानी करूँ? चलो ना बंद करवा दो, थोड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया, थोड़ी मेहरबानी, थोड़ी मेहरबानी सर। मुझे सच सच बता दो, मैं ये कैमरे बंद करवा, बंद करवा दो, मुझे सच बताओ। क्या भाई किस चीज़ का कॉल किया हुआ? सच बता दो, मैं बंद कर दूँ। डेंटल टेक्नीशियन किया हुआ मैंने। लेकिन डेंटल टेक्नीशियन को इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करे। हाँ जी सही है ना, वो ये होता है डॉक्टर का। मैं सिर्फ डेंटल जो है ना, वो दांत लगाता हूँ बस। मैं क्यों निकालते हो दांत? नहीं निकालता नहीं हूँ, लगाता हूँ मैं। क्यों? आपको इजाजत नहीं? ये बंद करा दो। चलो आपको इजाजत नहीं? चलो एक दफा जाना, माफी दे दो, बंद करवा दो, थोड़ी मेहरबानी। बंद तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरे भाई खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है। ठीक है सर, छोड़ दो हमारी जिंदगियों को, मत खेलो हमारी जिंदगी। चलो थोड़ी मेहरबानी सर, बस करो, बस कर दो। ये क्या है, ये थोड़ा सा मुझे बता दो, मैं कैमरे बंद करवा देता हूँ, थोड़ा सा मुआयना भी करवाओ ना, ये मक्खियाँ, ये जाले, ये गंद, ये वॉशरूम का, वॉशरूम का मंजर पेश कर रहा है आपका ये क्लिनिक, वॉशरूम का मंजर पेश कर रहा है, बंद करवा दो थोड़ी मेहरबानी सर, ये वॉशरूम का मंजर पेश कर रहा है। नाम क्या आपका? यासर। यासर इतना प्यारा नाम है आपका, मेहरबानी, और इतना गंदा काम कर रहे हो, इतना गंदा काम कर रहे हो यार। ये कैंचियाँ देखो यार, ये दिखाओ यार, ये पकड़ो जरा, ये कैंचियाँ दिखाओ, ये कैंची ये साफ ही नहीं है, ये टेम्परेचर होता है इसके लिए खास रखो होता है, पता है क्या होता है, क्या कहती हूँ उसको, बता दो मुझे। स्टेलाइजर कहते हैं वो, किधर है वो? है वो, ये ओवन इसमें जो है ना, मुझे स्टेलाइजर दिखा दो, मैं चला जाऊँगा। ये है, दिखाओ, ये हीटर पानी इसमें गर्म करके, स्टेलाइजर की हालत देखो यार। हाँ जी भाई, इसमें पानी, ये इसके ऊपर जाले हैं, पानी वाश करके, वाश करके पानी की वजह से स्टेलाइजर है यार। ये मुझे क्या दिखा रहे हो, ये मुझे क्या दिखा रहे हो यार, ओ भाई ये मुझे क्या दिखा रहे हो, ये स्टेलाइजर, ये इसकी हालत देखो आप, इसके ऊपर जंग, इसके ऊपर जाले रहेंगे नहीं
है या ये पानी की वजह से हुआ भाई? यार ये जाले देखो ना, ये यूज ही नहीं करते, ये हेपेटाइटिस सी और डी आर इन उधार से ये हमारे दांतों को लगते हैं, ये अंदर जरासीम जाते हैं। चलो भाई, महकमा डिपार्टमेंट तो बेशरम हो गया है सर, उनको तो शर्म ही नहीं आती ना, वो तो बेशरम हो गया है कि उनको एहसास ही नहीं है, उनके एहसास मर गए, उसके जमीर मर गए उनके। चलो सर, जमीर और एहसास मर गए हमारे डिपार्टमेंट के। मैंने आपको दिखाया, मैंने सबसे वहाँ पे बात की, मैंने कोशिश की कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर से बात करूं, मैंने कोशिश की कि वो DDHO जो मीटिंग कर रहा था वो मेरे साथ चले, मैंने कोशिश की वो PA से बात करने की, उस PA को मैंने कहा कि मुझे यार अपनी टीम दो, मेहरबानी सर, लेकिन उसने टीम नहीं दी, उसने कहा 2 घंटे का टाइम दो, हमें टाइम दो, मैंने 2 घंटे बाद कॉल की, क्या किया उसने सर, ताली मेहरबानी, ये हालात है। चलो सर सॉरी, ताली मेहरबानी सर, शुक्रिया। किधर जाए हम लोग, किससे फरियाद करें, किससे फरियाद करें हम लोग, चले चले, किससे जाके अपनी फरियाद सुनाए, इधर आओ ना, जाओ ना, भागो ना मेरे भाई, भागो ना, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, चुप करके खड़े हो जो, भागो ना। चलो भाई, भागोगे अपने लिए मसला बनाओगे, नहीं भाग कब से नहीं कर रहे हो ये काम, मुझे सही से सवालों के जवाब दो, हम लोग चले जाए। थोड़ा जब महकमा हेल्थ आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ, 3 साल हो गए महकमा हेल्थ जब आपको कुछ नहीं कह रहा, हम लोग गए हैं, हमने कहा भाई हमें टीम दो, कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, उनको करने दो, ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, 3 साल से कर रहा हूं, अब ये आप देख ले, 3 साल से कर रहे हैं जी, 3 साल में कोई डिपार्टमेंट आया? एक दफा आया था। क्या कह के गए? वो सील कर गया था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, खुलवा ली। हाँ डॉक्यूमेंट्स दिखा के मैंने, क्यों माफिया मांग रहे हो सर? राखुल सफाई दी बयान, तो ये उन बेशर्मों को नजर नहीं आता जो डिपार्टमेंट वाले जो 3 सालों में एक दफा इधर आते हैं, चलो ताड़ी मेहरबानी, उनको ये चीज नजर नहीं आती। चलो छोड़ दो कि भाई हम 3 साल में एक दफा एक जगह पे जा रहे हो सील करके और दोबारा वो चीज खुलवा रहे हैं वहां पे, क्यों पैसे वैसे लिए थे उन्होंने? सच बताओ, नहीं वो जुर्माना मैंने बोलोगे आप? जुर्माना मैंने पे किया, कितना जुर्माना पे किया था? 15,000 मैंने पे किया था, 15,000 पे कर दिया था। हाँ जी, 15,000 इस शख्स ने पे कर दिया था, 15,000 इसके पास था, इसने पे कर दिया, अगर 20,000 होता 20,000 पे कर देते, 40 होता ये 40 पे कर देता, इतना कमाते हो यार, हमारी जिंदगियों से खेलते हो। कमाता नहीं हूँ भाई मैं, सिर्फ जो फोन नंबर कर रहे हो यार आप? नहीं यार भाई, तो ये क्या मैं दिखाऊँ आपकी दुकान में है क्या आपका? ये जो सिर्फ मैं दांत लगाता हूँ, दुकान आपने खोली है, मैं इसमें क्या दिखाऊँ? दांतों का काम, दांत लगाता हूँ सिर्फ मैं। कौन से दांत भाई, किस किस्म के दांत? हमारे दांत निकाल रहे हो आप, हमें दांतों के काबिल नहीं छोड़ा आप लोगों ने। चलो छोड़ दो, ताड़ी मेहरबानी, बस कर दो, ताड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। क्या करूं मैं बताओ, क्या मेहरबानी, ये लाइव बंद कर दो, ये इसने ऑपरेट किया था। किसने ऑपरेट किया? इधर आओ ना जरा, नहीं नुमाइंदा, इधर आओ जी सर। क्या करते हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इधर आओ ना, जाओ ना मेरे भाई, मैं पुलिस को कह दूंगा, गाड़ी में बैठाएंगे और लंबे जाओगे। लंबे जाओगे, इसने लिखा हुआ है डेंटल HYGACA Institute of Health Sciences लाहौर। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें जो लिखा हुआ है कितनी बातें सच है पता तो चल जाएगा, सच बता दो। वो सारा ये सब कुछ सही है, सच है भाई। क्या सच है? ये डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट मैंने किया हुआ है। BDS तो नहीं किया हुआ ना? नहीं BDS नहीं किया हुआ। बोलिए यहाँ पे दुकान। अच्छा आप माशाल्लाह कब से कर रहे हो ये काम? तकरीबन 7-8 माह से आ रहा हूँ मैं। क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्या करते हो? मैं DHMS के पेपर दिए हूँ मैंने, 4 साल का जो डिप्लोमा है ना उसके। जो आपसे ट्रेनिंग करवा रहा है? नहीं अभी मैंने पर्सनली तौर पे मैं कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकता। अच्छा आप तो सुबह दांत चेक कर रहे थे, वीडियो में चल रहा है, हमारे नुमाइंदे का दांत चेक कर रहे थे उसको साफ। नहीं उसके में मैं सर्जरी तो नहीं कर रहा था, आप देख भी सकते हैं। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहले तो मुझे ये बताओ, जो डेंटल की दुकान होती है ठीक है ना, क्या उसको इतनी जगह दी जाती है? नहीं वो ज्यादा होती है। तो आपने, यार आप कोई डॉक्टर नहीं हो, मैं आपसे बहस कर रहा हूँ, फजूल में कर रहा हूँ, आप अपनी गलती का भी एहसास है आपको? अपनी गलती का क्या एहसास है? आपने क्या गलती किया मुझे ये बताओ, एहसास किस चीज़ का? चलो मैं चला जाता हूँ। छोटे छोटे क्लिनिक काफी ज्यादा बने हुए इधर जी, छोटे छोटे क्लिनिक काफी ज्यादा बने हुए हैं, ज्यादा बने हुए। हाँ इसको कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? महकमा हेल्थ रोकेगा, महकमा हेल्थ रोकेगा, वो क्यों नहीं रोकेगा? फ्रेंडली बात करते हैं, आप मेरे दोस्त हो, चलो आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूँ, फ्रेंडली बात करते हैं, छोड़ो सबको सर आप बंद कराओगे तो अच्छा, ठीक है मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? कार्रवाई हो रही है थोड़ी बहुत, आप तो बैठे हुए सब, आप कह रहे हो सब दुकानें खोल के बैठे हुए वहाँ पे, तो कैसे कार्रवाई हो रही है? इसका मतलब पैसे लेते हैं ना? नहीं मुझे तो नहीं, इस बात का मुझे तो नहीं पता। किधर सिंह जी है जो आपके पास है और वो लोग, उनको पता है वो यहाँ नहीं आते,
कोई गिद्दड़ सिंह जी तो होगी ना, वो गिद्दड़ सिंह जी पैसे ही होगी ना, सच बोल दो यार बात खत्म। नहीं नहीं कसम से मैंने कभी किसी को पैसे नहीं, वो मुझे लगा है वो। तो कौन सियासी पुष्प नहीं है आपको जी? सियासी पुष्प नहीं, वैसे बैठे हुए नहीं सर। नहीं नहीं तो फिर क्यों इतने धड़ल्ले के साथ, इतना सीधा दिलेरी के साथ क्यों? चलो सर थोड़ी मेहरबानी, बेबाकी हम लोग नहीं करते, इतनी बेबाकी कर रहे हो, बस करो थोड़ी मेहरबानी। एक मिनट लाइव बंद करवा दो, लाइव बंद करवा दो। अच्छा गलती का एहसास है? हाँ जी, नेक्स्ट होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा। नेक्स्ट करोगे आप? नहीं भाई, आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपका कसूर नहीं है, कसूर है इधर आओ, सामने आओ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, आपका कसूर नहीं है, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रहा मेरे भाई यासर भाई, कसूरवार उस डिपार्टमेंट का है जहाँ पे सुबह गया था, जिनसे मैंने बात की थी, जिनको मैंने कहा था कि मेरे भाई खुदा का वास्ता है अताइयों के खिलाफ ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे आप लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कसूर उनका है, इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर क्यों होगा, ये तो कर रहे हैं काम। चलो लाइव बंद सर, कसूर तो उनका है ना यार, ठहरो मेहरबानी भी कर लेते, और क्या क्या रखा हुआ है दिखाओ। नहीं बस यही है भाई, ये पानी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, ये इन्होंने स्टरलाइज किया है, लेकिन इसको पानी में क्यों नहीं रखा? सुबह स्टरलाइजेशन की थी, सुबह क्या सुबह किए थे सर? सुबह क्या की, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, जरासीम लगे हुए इसके ऊपर सर, अब जैसे होंगे वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सच बोलो यार, कौन किस चीज में गर्म करते हो, वो बर्तन दिखाओ मुझे, वो चीज दिखाओ, इसमें कैसे गर्म करते हो, ये तो खुद इतना गंदा, पानी डाल के ना ये दिखाओ, ये गंदा, ये गंदा, इस गंद में तुम लोग इसको उसकी स्टरलाइजेशन करते हो, इसकी औजार की कितना टेम्परेचर होता है आपको पता है इसका? और ये जंग नुमा ये देखो, ये नाजरीन ये देखो, ये चीजें देखो, ये इसको जंग लगाओ, ये जब हमारे दांतों को लगता है तो कैंसर हेपेटाइटिस सी बी सब बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं, और इसका जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये तो कर रहे हैं, इन्होंने पैसा कमाना है, वो जो हेल्थ वाले बेशरम लोग बैठे हुए उनकी क्या ड्यूटी है? हम सुबह से उनको कॉल कर रहे हैं कि हमारे साथ चलो, ऐसे ऐसे लोग मौजूद है, हमने निशानदेही की है, ये खुद मान भी रहे हैं कि 3 साल में एक दफा वो आए, आपने सुना भी ऐसे ही है जी सर। कैसे ठीक होगा ये सब कुछ सर? ये तो ऊपर वाली सतह से अब अगर कमेटी तश्कील दी जाए, खुल के बताओ जरा कैसे ठीक होगा, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि ये बस सवाए BDS के इसको कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, और तो है सर जब कोई को रोकने वाला ही नहीं है तो फिर जब कोई रोकने फिर तो चलेगा। बातें सुन रहे हैं आप इनकी और ये ठीक कह रहे हैं, और क्या होना चाहिए? बस सर यही होना, इतना कर लें काफी है उनके लिए, जो ऊपर सतह के जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो ठीक हो जाए सर। कमेटी बनाई है और इनको बिल्कुल बिल्कुल इनको ये दुकानें जो इन लोगों ने खोली है ये ना खोलनी थी, बिल्कुल सर ऐसा ही है ना, बिल्कुल। इससे अच्छा आप बताओ इससे क्या बीमारियां फैलेंगी जब ये हमारे दांतों को लगेगा, हमारे जिस्म में खून सर देखिए, अगर आप हम इनको प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं करते इससे हेपेटाइटिस भी फैल सकती है, एड्स भी। ईमानदारी अल्लाह को जवाब देना है जी, जी मरना है हम लोगों ने एक दिन, जी जी ठीक है ना, हमने एक दिन मरना भी है, ईमानदारी से कहना ये साफ है, अल्लाह को हाजिर होना नहीं इस वक्त ये साफ नहीं है। सुबह मैंने सेटलाइजेशन करके अच्छी तरह डिटॉल लगाते हैं लेकिन इस वक्त ये साफ नहीं, लेकिन इतने पेशेंट नहीं है इधर, खुद मान रहे कि ये इस वक्त साफ नहीं है, अगर कोई पेशेंट आ जाए तो उसको यही लगेगा। और भाई हम जंगल में रह रहे हैं, ये जंगल का कानून है, कुछ छंगा मांगा घुस आए हम लोग, किसी जानवरों को मैंने पकड़ लिया कि भाई आओ मुझे जवाब दो, क्या करूं मैं, मेरे हाथ कांप रहे ये सब कुछ देखकर, किधर जाएं हम लोग, किससे हम फरियाद करें, किस डिपार्टमेंट से फरियाद करें कि ये सब कुछ रोको, बीमारियां फैल रही हैं, हेपेटाइटिस सी बी यहां से जन्म ले रहा, खुद इकरार कर रहे हैं इस चीज का कि ये गंदे ये औजार गंदा है, ये साफ नहीं होगा। और वो दूसरा भाई कह रहा है कि 3 साल में एक दफा आए हैं यहाँ पे, सील कर गए थे, फिर उन्होंने मेहरबानी की हम पे, हमारे हमने उनके साथ मेहरबानी की, उन्होंने हमारे साथ मेहरबानी की, दुकान खुल गई और सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। जितने भी डेंटिस्ट इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर लिए जरा सोचे कि क्या ये डेंटिस्ट की दुकान होती है, क्या ये क्लिनिक होता है, इस तरह औजार रखा जाता है, इस तरह मशीन रखी जाती है, इस तरह क्या ट्रेनिंग ली जाती है? वो शख्स
बेशरम आदमी वाडा में भी काम कर रहा है और यहाँ पे लोगों की जिंदगियों से भी खेल रहा है। ये लाइसेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने दिया है, डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनको लाइसेंस दिया है इनको कि जाओ लोगों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेलो, रोकने वाला कोई नहीं है। जब रोकने वाले ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे तो फिर बॉर्डर से आकर वो जो गोलियां चलती है ना बॉर्डर पे, उनका कोई कसूर नहीं है, वो फिर चलाते रहे गोलियां। अफगानिस्तान से जब ड्रोन आता है, ड्रोन गिराते हैं वो लोग, उसमें लोग मर जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। फिर यही लोग हमारे लिए काफी हैं, ये जो दुश्मन है हमारे माशरे के, ये हमारे लिए काफी है। इंडिया के लोगों के लिए, जो इंडिया के हमारा जो दुश्मन है उनको छोड़ दें, वो तो बॉर्डर पे फायरिंग करते हैं, वो तो हमारे दुश्मन है ना, हमें पता है कि वो दुश्मन है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट को पता है, डीडीएचओ को पता है, सबको पता है, अब क्या बंद कर दूंगा, क्या बंद करूंगा, ये क्लिनिक बंद कर दूंगा, ठीक है, ये जल्दी बंद कर दूंगा, चार कैमरे के सामने को इधर आओ, वादा करो। हाँ मैं कैमरे कैमरे मैं क्लिनिक बंद कर दूंगा भाई। क्यों करोगे बंद? ये गंदगी की वजह से, ये गंदगी की वजह से पार्ट टाइम मैं काम नहीं करूंगा, काम इंशाल्लाह पाकिस्तानियों से वादा करो, आवाम से वादा करो, जो मैसेज देना कैमरे पे दो। हाँ इंशाल्लाह मैं बंद कर, पूरी बात करो, इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे यकीन नहीं आएगा, पूरी बात करो ताकि उनको यकीन आए कि ये बंदा सच बोल रहा है। हाँ मैं इंशाल्लाह जो है ना, ईमानदारी से करो, क्लिनिक बंद कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। आप नहीं करोगे? नहीं इंशाल्लाह, लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलोगे? नहीं भाई, वादा है आपका? हाँ इंशाल्लाह, मुतमिन हो जाओ, मुतमिन हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है। हाँ जी इंशाल्लाह। नहीं करोगे ना? नहीं इंशाल्लाह, ठीक है जी, शुक्रिया। ये शख्स, ये मेरा भाई, कसूर अगर जितना इसका है ना, इससे ज्यादा डिपार्टमेंट का है, उसको एहसास होना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए। ओ भाई एसी वाले कमरों में बैठे हो, बेशरम आदमी हो, एसी की ठंडी हवा ले रहे हो, गाड़ियां मिली हुई है, बड़े बड़े जनरेटर जो मैंने दिखाए हैं लाखों के वो पड़े हुए, लाइट चली जाती है, फौरन जनरेटर चलता है ताकि ठंडी हवा लगे, हम लोग, हमें गर्मी महसूस ना हो। किस लिए? इसलिए, इसलिए नहीं कि आप कोई लैंडलॉर्ड हो, हम आपके नौकर हैं, इसलिए नहीं, वो हमारे टैक्स के खून पसीनों से आती है वो ठंडी हवा, आपको सुन रहे हो मेरी बात, वो ठंडी हवा जो आप लोग लेते हो ना, वो खून के, हमारे खून के अंदर जो जो लोग हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं ना, जो पसीना निकलता है उसका, जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, उसकी ठंडी हवा लेते हो आप। ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे। चलो आप नहीं करोगे? इंशाल्लाह खत्म कर दोगे? हाँ इंशाल्लाह, बात है इंशाल्लाह, हम लोग मुतमिन आ जाएंगे इंशाल्लाह, शुक्रिया, ठीक हो गया। ये अभी अभी क्लिनिक बंद करो, ये वाला करो, अभी हमारे सामने बंद करो, बंद करो, मोबाइल दे दो इनको, पकड़ लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल, बिलाल बिलाल, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये डिपार्टमेंट की गलती है। चलो हम थोड़ी सी लोगों से बात कर लें, चलो बंद करो, हमारे सामने बंद करो, ले ले, ये डॉक्टर नहीं है, लोगों के औजार इसने गंदे रखे हुए, तो क्या होना चाहिए? ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, और ये सारी बीमारियां, आप लोग बीमार होते हैं और वो मान भी रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा, दुकान बंद करने लगा। नहीं वैसे फिलहाल इतने गंदे तो नहीं है, वैसे आज आप आए तो शायद हो गए हो, पहले नहीं थे, वैसे हम अक्सर इधर के रहने वाले, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहते हो? हमारा राय तो आप बताएं भाई, ये पैसे कुछ नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं है, एक्सक्यूज कर रहा है, कोई बात नहीं, आइंदा से कोई बात नहीं, आइंदा से हो जाएगा, आइंदा से नहीं होगा, एक बार वो छोड़ दें बस, ठीक है, बाकी ध्यान, अगर एक्शन होगा ना आइंदा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ना फिलहाल नहीं बनता, क्यों फर्स्ट टाइम है तो उसे पता नहीं था, तो अगर वैसे रिलेटेड नहीं है। अच्छा चलो इसको पता नहीं था, मान लेते हम इसको पता नहीं था, डिपार्टमेंट वाले जो बैठे हुए वो डिपार्टमेंट को चाहिए ना, वो हर वीक या पर मंथ आए तो सारी बात है, उनका चेकिंग बनती है, वो उनका बनता है, उनका राइट बनता है, उनका काम है, उनका काम है, यू चेक करना सर, उन पे डिपेंड करता है ना, जिनका काम है उन्होंने आगे निगरानी करनी है ना, तो जो बैठे हुए वो तो काम कर रहे हैं, जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है, वो कर रहे हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है, आवाम की उनकी टेंशन नहीं है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की है।